नमस्कार दोस्तों, आज हम NABH के चैप्टर 3 पर डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी दोस्तों ने पिछली वीडियो को सराहा और ये कहा कि सर अब जो भी आप वीडियो दें उन सारी वीडियो में आप शॉर्ट में बताएं, बहुत लंबा डिटेल में ना जाए। तो आज हम जा रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन पर। मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन को शॉर्ट में MOM कहते हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं 11 स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं उसको हम आपको बता दें। पहला स्टैंडर्ड है MOM फर्स्ट, फार्मेसी सर्विसेज एंड यूजेस ऑफ मेडिकेशन इज डन सेफली। MOM टू, द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स अपडेट एंड इम्प्लीमेंट्स अ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। MOM थ्री, मेडिकेशन आर स्टोर्ड एप्रोप्रिएटली एंड आर अवेलेबल वेयर रिक्वायर्ड। MOM फोर, मेडिकेशन आर प्रेस्क्राइब्ड सेफली एंड रेशनली। MOM फाइव, मेडिकेशन ऑर्डर्ड आर रिटन इन अ यूनिफॉर्म मैनर। MOM सिक्स, मेडिकेशन आर डिस्पेंस्ड इन अ सेफ मैनर। MOM सेवन, मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर्ड सेफली। MOM एट, पेशेंट्स आर मोनिटर्ड आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। MOM नाइन, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कीमोथेरेपिक एजेंट्स एंड रेडियो एक्टिव एजेंट्स आर यूज सेफली। MOM टेन, इम्प्लांटेबल प्रोस्थेसिस एंड मेडिकल डिवाइसेस आर यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद लेड डाउन क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं लास्ट MOM 11, क्या है, मेडिकल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स आर स्टोर्ड एप्रोप्रिएटली एंड आर अवेलेबल वेयर रिक्वायर्ड। ये कुल मिला के 11 स्टैंडर्ड्स हैं, किसमें, MOM में। इन 11 स्टैंडर्ड्स को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आते हैं MOM फर्स्ट स्टैंडर्ड पर, फार्मेसी सर्विसेज एंड यूजेज ऑफ मेडिकेशन इज डन सेफली। सीधी सी बात है, इसमें वो ये भी कह रहा है कि जो फार्मेसी सर्विसेज हैं, जो मेडिसिन हैं, उनका प्रयोग सेफली करना है, उनका प्रयोग हमें सेफली करना है, और जो मेडिकेशन मैनेजमेंट है वो हमारा अपडेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और हमारे पास ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि फार्मेसी अगर क्लोज है, अगर 24/7 फार्मेसी नहीं है तो मेडिसिन अवेलेबल हो, ये हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। MOM टू क्या कहता है साहब, MOM टू कहता है द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स अपडेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स ए हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। कोई भी हॉस्पिटल हो उसको एक फॉर्मुलरी बना लेनी चाहिए जिसमें सारी ड्रग्स जो वहाँ पर यूज़ होती हैं, एक ड्रग फॉर्मुलरी कमेटी होती है, फार्मेसी कमेटी होती है जिसमें फार्मेसिस्ट हैं, क्लिनिशियन हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मिलकर एक लिस्ट बना लेते हैं कि हमें ये एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है, ये हमें एस्ट ब्लॉकर्स यूज़ करने हैं, तो सारी मेडिसिन की एक लिस्ट बना ली जाती है और उसमें डोज होती हैं, कंपनी होती है, ब्रांड होता है, और उस लिस्ट के अनुसार ही हम मेडिसिन प्रयोग करते हैं। उसको एक साल में एक बार रिव्यू कर लेते हैं, बीच में अति आवश्यकता पड़ी तो फिर हमने कर लिया। तो एक ड्रग फॉर्मुली होती है और वो हर क्लिनिशियन के चैम्बर में होनी चाहिए ताकि उसे पता हो कि हॉस्पिटल रूल के हिसाब से हमें ये दवाइयों का प्रयोग करना है। उसके बाद आते हैं MOM 3 पर। MOM 3 में क्या है, मेडिकेशन आर स्टोर्ड एप्रोप्रिएटली एंड आर अवेलेबल वेयर रिक्वायर्ड। भाई स्टोर प्रॉपरली करना चाहिए, कैसे करेंगे अप्रोप्रिएटली स्टोर, भाई कोई मेडिसिन है उस मेडिसिन को आपने फ्रिज में रखना है और एक निश्चित टेम्परेचर पर रखना है, ठीक है, एक मेडिसिन ऐसी अंधेरे में रखना है, तो स्टोर प्रॉपरली होनी चाहिए। अब जैसे कुछ क्या होती है, कुछ मेडिसिन है हाई रिस्क मेडिसिन है तो उन्हें हमें संभाल के रखना है एकदम, कि ऐसा ना हो कि गलत यूज हो जाए,
कुछ मेडिसिन क्या होती है, हाई रिस्क मेडिसिन में इंक्लूडिंग है लुक अलाइक साउंड अलाइक मेडिकेशन होती है, मेडिसिन होती है। अब उनका मेडिकेशन गड़बड़ ना हो जाए, अभी एक सी साउंड में एक मेडिसिन की जगह ब्रांड में दूसरा ब्रांड दे दिया, तो ऐसी गलती ना हो जाए, तो उनका स्टोरेज अप्रोप्रिएटली होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। और मेडिसिन प्रॉम्प्टली यूज इस तरह से हो कि तुरंत ज़रूरत हो तो तुरंत वो मिल जाए। MOM 4 क्या कहता है, मेडिकेशन आर प्रेस्क्राइब्ड सेफली एंड रेशनली। देखिए जो भी मेडिकेशन है, नियम तो ये कहता है कैपिटल लेटर में लिखे जाएँ, जो आपके यहाँ ड्रग फॉर्मुलरी है उसके हिसाब से मेडिसिन लिखी जाए। और क्या कहता है नियम, जो उसके इंडिकेटर्स हैं वो लिखे जाएँ, जैसे कोई हमने एक एंटीबायोटिक लिखी तो इंडिकेटर्स हैं रेड लाइन से उसको अंडरलाइन कर दिया, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीफंगल है, ये S2 ब्लॉकर है, ये ब्लड थिनर है, इस तरह से हमें उसके इंडिकेटर्स भी लिख दें, उसका प्रॉपरली रूट लिख दें, है ना, किस रूट से दी जानी है, उसकी डोज लिख दें और उसका क्या है कितने दिन ली जानी है वो लिख दें, तो इस तरह से हमारी हर चीज़ वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप आते हैं MOM 5, ये आपका अपना भी हमने क्या किया था MOM 4, प्रेस्क्राइब सेफली एंड रेशनली। अब हम आ जाते हैं किस पे, MOM 4 पर, MOM 5 पर। MOM 5 क्या कहता है, मेडिकेशंस ऑर्डर आर रिटन इन अ यूनिफॉर्म मैनर। जो मेडिकेशन ऑर्डर है वो यूनिफॉर्म मैनर में रिटन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑथराइज पर्सन के द्वारा लिखा होना चाहिए। ऑथराइज पर्सन कौन है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, MCI Act 1956 के तहत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में खास तौर से अगर एलोपैथी मेडिसिन लिख रहा है तो मिनिमम MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, और उसकी सहायिका हो सकती है रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन लिख रहा है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस तरह जो भी मेडिसिन लिखी जा रही हैं वो उस श्रेणी का रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा कोई और भी दवाई नहीं लिख सकता, उसके सिग्नेचर भी वैलिड नहीं है। आते हैं MOM 6 पर, मेडिकेशंस आर डिस्पेंस इन ए सेफ मैनर। मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग सेफ मैनर में होनी चाहिए, इफेक्टली रिकॉल, अगर मेडिकेशन रिकॉल सिस्टम है उसका हैंडल जो है वो इफेक्टिवली होनी चाहिए, नियर एक्सपायरी मेडिसन का जो सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, कि 3 महीने पहले आप बीच बीच में आपकी स्टोरेज चेक करते रहें, 3 महीने के आसपास जो मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है उस मेडिसिन को आप क्या करें, हटा दें, हर महीने आप चेक करें, ठीक है। हाई रिस्क मेडिसिन का जो है उसको, उसका डिस्पेंसिंग है उसका हमारा ध्यान प्रॉपरली हमें ध्यान रखना है। उसके बाद MOM 7, मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर्ड सेफली। अब मेडिसिन का जो सबसे बड़ी चीज़ है उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेफली होना चाहिए। जब भी आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं, पहले तो लिखने वाले को जो मेडिसिन है उसका नाम लिखेगा, ब्रांड लिखेगा, और ब्रांड लिखने के बाद क्या करेगा, उसमें IV देनी है, IM देनी है, ओरली देनी है, पर रेक्टर देनी है, ये सब चीज़ उसमें रूट राइस ट्यूब से देनी है, उसको रूट लिखना चाहिए, मेडिसिन लिखेगा, डोज लिखेगा, रूट लिखेगा, ठीक है। ये सब चीज़ सारे ऑर्डर्स क्लियर होने चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ऑटोमेटिकली हाँ जी वो तो नर्स है समझ गई होगी, नहीं, आपको ऑर्डर्स क्लियरली लिखने हैं। जब ऑर्डर्स क्लियरली लिख लिए तो आपको फिर वो उसको क्लियरली फॉलो करना है, क्या स्ट्रेंथ, रूट, टाइमिंग, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है, प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। पेशेंट्स आर मोनिटर्ड आफ्टर मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। MOM 8 है, ये कहता है कि अगर आपने दवाई दी तो आप मॉनिटर कीजिए, नियर मिस है, मेडिकेशन एरर है, ड्रग रिएक्शन कुछ है, तो वो आप स्पेसिफिक फॉर्म में रिपोर्ट करिए, इंसिडेंट रिपोर्ट होती है सब जगह, इंसिडेंट रिपोर्टिंग करिए, फिर उसका करेक्टिव एक्शन कीजिए, फिर उसका आगे कभी ना हो उसके प्रिवेंटिव एक्शन कीजिए। ये नहीं है साहब उसको टर्मिनेट कर दिया, उसको निकाल दिया, उसको ये कर दिया, उसकी रिपोर्ट लिखवा दी, ये कोई काम नहीं होता। आप देखिए करेक्टिव एक्शन क्या था, उसको करेक्ट कैसे कह सकते, पहले तो रिएक्शन हो गया उसको ठीक कीजिए, कोई दिक्कत हो गई उसको ठीक कीजिए, फिर प्रिवेंटिव एक्शन, इन फ्यूचर कभी ऐसी दिक्कत ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ देखनी है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं MOM 9 पर, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट एंड रेडियो एक्टिव एजेंट आर यूज इन ए सेफ मैनर। देखिए नारकोटिक ड्रग है, ठीक है, साइकोट्रोपिक सबस्टांस हैं, कीमोथेरेपी के एजेंट हैं, वो सेफली यूज़ करने चाहिए, और उनको
सोच समझ के क्वालिफाइड स्टाफ के द्वारा ही प्रयोग किया जाना चाहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा ही प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिए पहली चीज़, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर ये कैसे पता करेंगे कि हाँ सेफली है, देखिएगा कुछ साइकोट्रोपिक जो आप उस पर आ जाइएगा, जो आपकी ड्रग होती है कीमोथेरेपी ड्रग, उसके लिए कहते हैं कि हुड होना चाहिए, एक गिलास का हुड ऐसे होता है, उसमें अंदर हाफ देंगे दोनों से, उससे दवाई बनाएंगे फिर उसमें से निकालेंगे, ताकि आपके स्टाफ सेफ रहे, आपके स्टाफ पर भी उस दवाई का मेडिसिन का इफेक्ट ना आए। सेफली वो मेडिसिन बनाई जाती है हुड में, अब ये नहीं सबके सामने वो उसको मिक्स कर रहे हैं बोल रहे हैं, नहीं, मेडिसिन प्रिपेयर एरिया अलग होना चाहिए, वहाँ पर मेडिसिन प्रिपेयर होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए मेडिसिन देने का, नार्कोटिक ड्रग का, साइकोट्रोपिक ड्रग का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या कि कितनी आई कितनी गई उसका पूरा रिकॉर्ड, और उनकी खाली वायल भी एक कमेटी के सामने डैमेज की जाएंगी कि इतनी खाली वायल है और इनको हमने डैमेज किया, ठीक है, ख़त्म किया। उसके बाद MOM-10 इम्प्लांटेबल प्रोस्थेसिस एंड मेडिकल डिवाइसेस आर यूज इन द अकॉर्डेंस विद लेड डाउन क्राइटेरिया, जो भी आपका क्राइटेरिया इम्प्लांट हैं प्रोस्थेसिस हैं डिवाइसेस हैं, जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है उस क्राइटेरिया को आपको प्रयोग करना है, उसके अनुसार ही आपको देना है सब चीज़, जैसे कोई उसका बैच मार्क है वो लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, इम्प्लांटेबल प्रोस्थेसिस जितने होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस जितनी होती हैं उनका रिकॉर्ड जो भी है, मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है, मास्टर लॉग बुक मेंटेन करनी है ना, डिस्चार्ज समरी में वो सब आपको नोट करना होगा कि ये आपने लगाया, इसका सीरियल नंबर ये था, इसका लॉग बुक नंबर ये था, ये सब चीज़ आपको उसमें देनी पड़ेगी, ठीक है, बैच ये उसका ये था, ये आपको डिस्चार्ज में देना चाहिए जो भी आप चीज़ किसी को लगा रहे हैं। उसके बाद MOM-11 है, लास्ट है MOM, इस बार की वीडियो मैं बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए कि MOM है क्या। मेडिकल सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स आर स्टोर्ड अप्रोप्रिएटली एंड आर अवेलेबल वेयर रिक्वायर्ड, मेडिकल सप्लाईज हैं कंज्यूमेबल्स हैं वो स्टोर्ड अप्रोप्रिएटली हमें करने चाहिए, क्यों करने चाहिए साहब, भाई हमें नमी का ध्यान रखना है, हमें धूप का ध्यान रखना है, लाइट का ध्यान रखना है, हीट का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का इन सब चीज़ का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है, प्रॉपरली हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से आप रखिएगा, ABCD के हिसाब से आप रखिएगा, तो ताकि आपके वो टाइमली चीज़ें प्रयोग हो जाए, उनकी सप्लाई वेरीफाई भी कीजिएगा, चेक कीजिएगा, वो सब सिस्टम अपनी फार्मेसी में हमें रखना है। तो ये पूरा था MOM, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। नेक्स्ट जो अपनी वीडियो बनेगी वो वीडियो बनेगी चैप्टर 4 पर, पेशेंट राइट एंड एजुकेशन, पेशेंट्स राइट्स एंड एजुकेशन पर हम बनाएंगे। पेशेंट राइट एंड एजुकेशन में जो टोटल हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे वो मात्र 8 हैं, वो भी एक छोटी सी वीडियो बनेगी। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन NABS से रिगार्डिंग अगर पूछना हो तो YouTube बॉक्स में आप उनसे पूछ सकते हैं, NABS 5th एडिशन बुक का कुछ भी आप पता कर सकते हैं, मैं आपको उसमें आंसर दूंगा। इसके बाद हम NABS प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है उसके बारे में भी बताएंगे। कुछ वीडियो हम कोड पर बनाएंगे, जैसे कोड रेड किस तरह से करते हैं, कोड ब्लू में क्या करना है, कोड पिंक में क्या करना है ना, खास तौर से ये कोड बुलाए जाते हैं SSF के द्वारा, तो इनकी भी हम तैयारी आपको कराएंगे, उसकी भी वीडियो और पूरी पूरी विधि आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक आपको नमस्कार।